स्वागत है आपका कैंडोलिम बीच पर। यदि क्रिसमस और न्यू ईयर ईव पर आप आते हैं तो कार्स बहुत महंगी हैं। हमने एक पुरानी ऑल्टो 1500 रुपये में हायर करी किसी जान पहचान वाले से, अन्यथा साधारणतया यह 900 रुपये में उपलब्ध हो सकती है। इसी तरीके से स्कूटीज बहुत महंगी हैं, वे भी करीब 750 में मिल रही है 250 की जगह। हम हमारी कार पार्क करके और यहाँ पर आ गए टोमेटोज में, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। उसमें थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात हमने कॉफ़ी और पिज़्ज़ा एंजॉय किया और उसके पश्चात हम चल पड़े बीच की ओर। रात्रि के समय इस रेस्टोरेंट की भव्यता कुछ अलग ही है। ओपन एरिया, सामने समुद्र, लाउड म्यूजिक एंड हंसते और खिलखिलाते हुए लोग। कैंडोलिम बीच फोर्ट अगोडा से करीब 5 किलोमीटर दूर है। तो हम कैंडोलिम बीच पे हैं अभी, फोर्ट अगोडा के बाद यहाँ पे आए हैं। दिस इज वेरी क्लोज एंड इट सीम्स इट्स क्वाइट प्रीटी बीच। ऐसा लगता है कि जैसे कल हमने देखा था मांड्रेम, तो उससे काफ़ी गहरा है, एकदम से स्टीप फॉल होता है और वहाँ जैसे काफ़ी देर प्लेन था, लेकिन यहाँ पे इतना प्लेन नहीं है। सो विल गो क्लोज एंड ट्राई टू सी व्हाट इट इज दैट इज बोट शैक। ऐसे शैक्स जो हैं वो काफ़ी बने हुए हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं और तरह तरह के हैं। यू कैन सी सीरीज ऑफ रेस्टोरेंट जिनको शैक्स या रेस्टोरेंट कहते हैं। टेम्प्रेरी है इसलिए शैक्स कहते हैं उनको। काफ़ी भीड़ है, एक्चुअली बहुत सारा क्राउड है इंडियन। मैं मास्क नहीं देख पा रहा हूँ, हालांकि केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं कोरोना के। वी शुड बी केयरफुल, लेकिन वेल पीपल आर नॉट। यहाँ पे हर जितने भी बीचेस हैं हर एक की एक अपनी ब्यूटी है और यहाँ पे कुछ भीड़ भाड़ ज़्यादा है जैसा कि मैंने कहा। और मैं समझता हूँ जब तक मैं वहाँ पे मैंड्रिन में नहीं गया था तब तक मैं ये सोचता था कि शायद ये बीचेस ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैंड्रिन शायद इससे बेटर है। एंड जस्ट बिकॉज के काफ़ी एकदम से डीप हो जाता है एंड इट लुक्स लिटिल डेंजरस। हालांकि अभी हाई टाइड है शायद इस वजह से। आप देख सकते हैं कि खूब भीड़ है एंड ऑल लोकल क्राउड। इवन जो मेरे पीछे रेस्टोरेंट है वो भी रेस्टोरेंट भी पूरा भरा हुआ है एंड पीपल आर नॉट बॉदर्ड कि व्हाट्स हैपनिंग है। एंड आप देख सकते हैं वहाँ पे गार्ड बैठा है दूर काफ़ी। फ्लैग हालांकि स्विमिंग का लगा हुआ है, रेड फ्लैग नहीं है, रेड एंड येलो है जैसे आप देख सकते हैं, जो कि इंडिकेशन है कि आप यहाँ पे समुद्र में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप जाना ठीक नहीं है। बहुत भीड़ है आज और जितने भी वाटर स्पोर्ट्स हैं उनमें काफ़ी व्यस्त है। दे आर हैविंग गुड बिजनेस विच इज़ गुड, क्योंकि पिछले 2 सालों में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी इस साल इन स्पाइट ऑफ कोरोना देर इज़ लॉट ऑफ रश। गुड टू हैव बिजनेस एटलीस्ट फॉर दीज गाइस। एंड ये जितने भी आपको बीच बैट दिख रहे हैं और जितने भी ये अम्ब्रेलाज दिख रहे हैं, ये सब आप हायर कर सकते हैं। ये विभिन्न होटल्स के होते हैं। यदि होटल्स पे यदि आपको कुछ खाना पीना है तो शायद फ्री होते हैं, अदरवाइज़ यू हैव टू पे। डिपेंड करता है सीज़न पे, 100 से तो कभी नहीं होता, लेकिन 200 ऑनवर्ड कुछ भी उसका प्राइस हो सकता है। सो दैट इज़ द फील ऑफ द कैंडोलिम बीच। आप दूर देख सकते हैं कि बम्पी कुछ है, बम्पी राइड्स हैं वहाँ पे और वहाँ पे दूर।
वो जो बोट जा रही है उसमें पीछे जो कोई है वो बम्पी राइड दे रही है, और उधर आप देख सकते हैं कि एक मोटर बाइक है, ये सिंपल राइड है ये जो जा रहे हैं, और दूर आप पैरासेलिंग का देख सकते हैं। तो पैरासेलिंग काफ़ी डीप है, इधर भी है और इधर भी है। इस तरफ थोड़ा सा नज़दीक है पैरासेलिंग, डिफरेंट हाइट्स तो नहीं है मेरे ख्याल से, दे टेक यू फॉर अबाउट 2 मिनट तक पैरासेलिंग का होता है और उसके बाद वापस वो नीचे ले आते हैं। आई विश पीपल हैड सेफ्टी, लेकिन अब इतनी भीड़ में कोई क्या सेफ्टी करेगा, तो भगवान भरोसे है सब कुछ। ये बनाना राइड, अब इनको जब वापस लाएंगे तब इनको पटकेंगे, वो देखना वो बनाना राइट। ये जब वापस आएंगे तो उनको एकदम से पलटेंगे, और यस दैट इज स्कूटर ड्राइव विच इज क्वाइट फास्ट एंड लुक्स लिटिल डेंजरस, आई डोंट नो। वो बनाना राइड को ला रहे हैं मेरी तरफ, और जैसे ही किनारे पर आएंगे उनको पलट के गिराएंगे सबको, और वही थ्रिल है इस सब का। ओ ओ नहीं नहीं जहाँ पर एक्टिविटी एरिया है स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स का, वहाँ पे बहुत भीड़ है, लेकिन जैसे जैसे हम इस तरफ यानी कि कैलनकूट बीच की तरफ जाते हैं वैसे वैसे भीड़ कम हो जाती है। सो ये इस एरिया का मतलब पहले वाघा बीच है, फिर कैलनकूट है, और ये कैंडोलिम है। आखिर में जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है वहाँ पर फोर्ट अगौड़ा है, और इट द क्राउड हैज थिंड आउट एज यू कैन सी, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम लोग हैं, और जितने भी ये सैक्स बने हुए हैं, फ्लिपर है, चाय बेव्यू है, या ये ड्रॉप इन है, बोनोस है, जो भी है, तो यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं। सो डिपेंड्स एक्चुअली एक्टिविटी एरिया हो या फिर आपका पार्किंग एरिया है वहाँ से आप एंटर करते हैं तब। सो यदि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे भीड़ कम हो, जिससे कि आप सेफ रहें। शाम की तैयारी हो रही है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में आपको मिलेंगे कि कपल्स भी आते हैं, और तरह तरह की एक्टिविटी है उनके लिए, आप बैठ के ड्रिंक्स पिएं या फिर मसाज कराना है तो मसाज खाएं। बहुत सारी लेडीज़ पाइनएप्पल एंड नारियल बेचती रहती हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। ढलता सूरज, उसके बैकड्रॉप में पैरासेलिंग का पैराशूट, ऐसे ब्रिलियंट व्यू, जस्ट बैठ जाइए, एंजॉय करिए एंड फॉरगेट the rest of the things in life. रात के समय ये दृश्य अद्भुत होते हैं, बिकॉज ये फ्लावरी जो आपको दिख रहे हैं ये सब लाइट्स लगने के पश्चात बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये घास फूस के बने अम्ब्रेला बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मुझे नहीं पता पिक्चर में कितना अच्छा आएगा, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है। सो लुक एट दैट, वाओ।
सिमिलरली ये जो सेक्स बने हुए हैं ये भी मुझे नहीं पता केले के पत्ते हैं या ताड़ के, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से उनका रूफ बना हुआ है, छत पे डाले हुए हैं, सो दे आर क्वाइट नाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ट्रायंगल बना रखे हैं और ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। यदि आप इनके पास रहते हैं दे लुक सो ब्यूटीफुल, जस्ट वॉच देम, जस्ट फील देम, जस्ट लव देम। सब जगह अलग अलग तरह की ट्राई करा हुआ है। यहाँ पे ये पिरामिड शेप में बना रखे हैं, रेड एंड वाइट, इसके नीचे बैठ जाइए आप और एंजॉय करिए। सामने एक मंडप की तरह है, वो भी बहुत सुंदर है। वाव, दिस इज गुड सेक एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस प्रीटी नाइस, शायद एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे इन्होंने बना रखा ऊपर, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। लाइट्स जलते हैं तब और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो दिस इज़ क्वाइट नाइस। आप किस तरीके से अपना वेकेशन को स्पेंड करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस। मैं डॉक्टर डी एस चौधरी हूँ और मेरा चैनल है डॉक डी एस एस 70। आशा है आपने सब्सक्राइब किया होगा। If you like my work, please share and like it. Thank you very much for watching this particular episode, and see you in the next episode. Bye-bye.